से हम खो गए कि हम कहाँ बैठे हैं कुछ समय के लिए। और मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ सर आपका, सब आपके विचार आपके जुवा हम कवियों की। मैंने भरपूर कोशिश की इस कवि सम्मेलन में कि एक से एक बढ़कर कवि को मैं आपके समक्ष रखूं, और सर मैंने रियली बहुत कोशिश की कि एक से एक बढ़कर कवियों के आपके समक्ष रखूं। और सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सर ने मुझे तुरंत इसकी इजाज़त दी कि चलो ये कराओ, बहुत अच्छी बात है। और सर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, शुक्रिया कि हम सौभाग्य हैं कि हमें इस तरह के वाइस चांसलर मिले हैं। एक बार जोरदार ताली आप सर के लिए। एक्चुअली जिस तरह से श्रोता सुने, एक कवि सफल होता है कि यह सबसे बड़ी बात है कि जब से यह कवि सम्मेलन स्टार्ट हुआ एक भी श्रोता यहां से उठकर नहीं गया। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए। मैं श्रृंगार के लिए लिखता हूं, लेकिन जब मैं विनय विनम्र जी जैसे कवियों को सुनता हूं तो मेरे अंदर का जोश जगता है कि मैं भी देशभक्ति पे भी लिखूं। सर मैं कितना भी कोशिश करूं देशभक्ति पे लिखने, देशभक्ति लिखता हूं उसमें श्रृंगार अपने आप आ जाता है। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का से अनुरोध करता हूं कि मैम आए और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बहुत आभार। सभी कवियों ने अपने क्रम पर बहुत अच्छा सुनाया और आप लोगों ने सुना भी बहुत अच्छा। आजाद जी ने एकदम करुण रस की जो भावना सबके बीच फैला दी, कुछ लोगों की आंखों में, मैं देख रही थी मैडम की आंखों में आंसू थे, मैं खुद भी बहुत भाव विभोर हो गई थी। भाई नवल ने खूब गुदगुदाया, विनय भाई उत्साह भर देते हैं जब वीर रस, जब ओज की बात करते हैं। मैं अपने क्रम पर हूँ और जैसा कि बताया कि हर कवि हर कार्य कर सकता है, हर रस में सुना सकता है, परंतु किसी एक रस में वो विशेष रूप से पारंगत होता है। तो मेरा रस है श्रृंगार रस। मैं प्रेम की बात करूंगी आप लोगों के बीच और मुझे लगता है आदरणीय कि प्रेम सबसे महत्वपूर्ण भाव है जीवन का। किसी भी काम में यदि हम किसी से गुस्से में भी यदि प्रेम से बोल देंगे तो वो काम आसानी से निबट जाता है। माता पिता के प्रति प्रेम, भाई बहनों के प्रति प्रेम, अपने महबूब के प्रति प्रेम। कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी के कैंपस में बहुत खूबसूरत सा कार्यक्रम आयोजित किया है आदरणीय सुनील जी ने, और आप लोग सुन रहे हैं ये बड़ी बात है, लेकिन कुछ मैं देखती हूँ बड़े बड़े हम लोग कई बार कार्यक्रमों में जाते हैं तो अतिथि थोड़ी देर बैठते हैं और उठकर चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने हमें समय दिया और आप लोग इतनी तल्लीनता से हमें सुन रहे हैं। मैम साथ आई हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आदरणीय लोकेश बाली जी, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी उपस्थिति है। आजाद जी, आजाद कलम के संस्थापक यहाँ उपस्थित हैं, दौसा राजस्थान से हमारे बीच आए हैं और बहुत सारे नए कलमकारों को अपने साथ लेकर आए हैं, सभी का स्वागत अपने हृदय तल से करती हूँ। मैं दौसा राजस्थान से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और एक लोभ से चली आई हूँ। मुझे सुनील जी ने बताया कि मैडम ऐसे ऐसे कार्यक्रम कहे, तो सर मैंने कहा मेरा पारिश्रमिक कितना होता है, बोले अरे मैडम ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा तो आपका कार्यक्रम क्या है, जब कॉलेज की बात आई, आजाद जी की बात आई, लोकेश जी की बात आई, नवल भाई का नाम ले लिया, तो मैं बिल्कुल पानी पानी हो गई, मेरे सब अपनों का नाम ले दिया। तो मैंने कहा चलिए आपने जैसे बुलाया इस बार मैं चली आती हूँ, लेकिन अगली बार जब बुलाएंगे तो आप मेरी शर्तों पर बुलाएंगे। तो आइए मैं प्रेम की बात आप लोगों के बीच पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए चहलकदमी रोक दीजिए, मेरा अनुरोध है आप सभी से, आप भी भैया बैठ जाइए और पढ़ो, आप तो प्रेम की पढ़ो, वो सब इसीलिए बैठे पीछे। भले मैं पास होती हूँ या तुमसे दूर होती हूँ, भले मैं पास होती हूँ या तुमसे दूर होती हूँ, तुम्हारे प्यार की खुशबू से मैं भरपूर होती हूँ। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, जब गुनगुनाते हो गजल मेरी, गजल के साथ मैं भी दूर तक मशहूर होती हूँ। गजल के साथ मैं भी दूर तक मशहूर होती हूँ। बहुत आभार। मैं उसकी तमन्ना लिए मर जाऊं ऐ खुदा। आए मुझे तो लग रहा है कि रोगी बैठा है कोई। भैया थोड़ी देर के लिए पटक नहीं, सर को पानी देना है तो रख दे भैया थोड़ी। अरे तो पितरों को दे दे।
मैं उसकी तमन्ना लिए मर जाऊं ऐ खुदा, उसके दिए जख्मों से ही भर जाऊं ऐ खुदा। जो प्यार की नजर न मिले बेखुदी ही दे, क्या बात है, हर नज़्म उसके नाम में कर जाऊं ऐ खुदा। नज़्म उसके नाम में कर जाऊं ऐ खुदा। सदियां हुई मैं तुमसे दूर हो नहीं सकी। अच्छा, मैं आप लोग के कोर्स की बात कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी आह वाह करते रहिए बीच बीच में, सुनिएगा, हो भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, सुनिएगा। सदियां हुई मैं तुमसे दूर हो नहीं सकी, तुमसे मिली तड़प को कभी खो नहीं सकी। है दाव पर ये दिल मेरा, बाजी है तुम्हारी, आंसू भरी ये आंख कभी रो नहीं सकी। आंसू भरी ये आंख कभी रो नहीं सकी। और देखिए एक धड़कता हुआ मुक्तक, आइए बैठिए। धड़कता हुआ है, जी स्वागत। मैं पढूं? हाँ, और क्या मैं पढूंगा। खुद को मैं जलाती हूँ धुआं बन सकूं कभी, हाय ऐसे। खुद को मैं जलाती हूँ धुआं बन सकूं कभी, हर लम्हा तड़पने की दुआ बन सकूं कभी, हर लम्हा तड़पने की दुआ बन सकूं कभी। जो प्यार की नजर न मिले बेखुदी ही दे, तुम हार जाओ वो जुआ मैं बन सकूं कभी। ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है, मगर तुम सबसे बेहतर हो, मेरे हमराज हो, हमराह हो, मेरा मुकद्दर हो। जमाना कुछ कहे लेकिन मेरा दिल तो ये कहता है, अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो। अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो, और दूर होकर भी पास हो तुम, एक रेशमी एहसास हो तुम। मैं प्यास रेगिस्तान की हूँ, मैं प्यास राजस्थान की हूँ, तृप्ति का आभास हो तुम, मेरी कविताओं में हो छंद जैसे मेरे गीतों का विन्यास हो तुम। जेठ की दोपहर हूँ मैं, सावन का मधुर मास हो तुम, अरे कैसे समझाऊं मैं तुमको, खासो में भी खास हो तुम। ये है नीरस के कवि। सदियों के बाद धरती जी, देखिए नीरस के कवि ने अगर मुझे माला समर्पित की है तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। पर हमारे के कवि क्या है, हमारे छाती पे तो सांप लौट रहे हैं। सदियों के बाद धरती आसमान मिल रहे, आंधी चली जज्बात की पर फूल खिल रहे। हुआ रूह का रूह से मिलन जो इस कदर, अखियां हुई है मौन और होठ हिल रहे। वाह 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 वाह, होंठ हिल रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग।
और एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनाती हूँ पहले आप लोगों को, फिर उसके बाद एक गजल शुरू कराऊंगी, सुनेगा। एक गीत मैंने अभी इन दिनों कहा और काफी चर्चा में, काफी वायरल भी हुआ, और आफताब जी बहुत अच्छे अपने शेर पढ़े मैं, और बहुत अच्छा लगा। नवल भाई, मैंने भी आपकी सारी कविताओं पे ताली बजाई, आप बोतल नीचे रखिए। सुनेगा। दो घंटे से लेके बैठा वो। मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। मोबाइल आजकल वाकई बहुत गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है तो दुश्मन इसका। बहुत सारे लोगों का दुश्मन है, बच्चों का भी दुश्मन है, महिलाओं का भी दुश्मन है, हम पत्नियों का भी बहुत दुश्मन है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही है। वही गड़बड़ से गीत उठाती हूँ, आंगन का गीत है, आप लोगों की गतिविधियों का गीत है, पीके जी आपकी गतिविधियों का गीत है, आपकी गतिविधियों का गीत है, सबके मन का गीत है, सुनेगा। अच्छा, रिश्ता हमसे, बहुत अच्छा गीत है। नहीं नहीं, मैंने अभी सुना था पिछले कार्यक्रम में छपरौली में, मंच पे जितने भी लोग हैं, अधिकतर कुछ लोगों से तो हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात होती रहती है। सच में मैं पिछले करीब 25-30 दिन से लगातार काव्य यात्राओं में हूँ, कल परसों भी जोधपुर से आई हूँ, मेरी आपसे भी बात हुई थी, उससे पहले मैं आजमगढ़ से लखनऊ से लौट कर आई थी, तो हम लोग यात्राओं में रहते हैं। मैंने उन्हें बता दिया बहुत व्यस्त कवित्री हूँ, अगली बार पेमेंट पूरी मिलेगी, आप चिंता मत करो। रिश्ता हमसे, बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है, क्या बात है, तालियों की ताली से सुनेगा। रिश्ता हमसे, बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, उलझे उलझे घूम रहे हैं, सुलझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है, जिन सांसों से मिलकर मेरी सांसों ने जीवन पाया, एक दूजे का हाथ थाम कर गीत मोहब्बत का गाया, किस कारण से, सब लोग मिलकर ताली बजाएंगे वरना कारण बैठती रहूंगी मैं, किस कारण से, किस कारण से, किस कारण से भूल गए हो तुम सारे सुरताल, सजन क्या भूल हुई है, क्या भूल हुई है, रिश्ता हमसे, बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है, पहले तो तुम मुझे दौड़ कर बाहों में भरते थे, आंखों आंखों में जाने कितनी बातें करते थे, अब तो सुना अनसुना करके बन, सर आप भूल करके बैठे हैं मतलब, अब तो सुना अनसुना करके, अब तो सुना अनसुना करके जाते हो तुम टाल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, रिश्ता हमसे, बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है, मैं तो हरी भरी रख लूंगी यादों की तुलसी को, यादों में लिपटी वादों की प्यारी सी हिचकी को, मेरी ओर से तुमने काहे, मेरी ओर से तुमने काहे धर्म लिए हैं पाल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, रिश्ता हमसे, बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है, उलझे 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 घूम रहे हैं, सुलझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है। बहुत बहुत खूब, वाह 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 वाह, आनंद से बहुत मन से गीत को सुना है।
आइए गजल से रूबरू करा देती हूँ आप लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नई ताजा तरीन। मैडम देखो वैसे तो ये कोई काम नहीं करता, लेकिन सजन के ना